नमस्कार, मैं रविश कुमार। नौकरियां नहीं है ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं है। लाखों की फीस देकर जो नई पीढ़ी अलग अलग प्रोफेशनल संस्थानों से निकल रही है वो कहां जाए। कोविड-19 के दौर में इस नई पीढ़ी पर बहुत मार पड़ी है। जो लोग नौकरियों में थे उनकी तो नौकरी ही चली गई, इसके बाद भी रोजगार मुद्दा नहीं है। राजनीति का ऐसा समय जब बेरोजगारी चरम पर हो और मुद्दा ना हो तो वह नेता बनने के लिए कमाल का समय होता है, क्योंकि वह आसान होता है। ऐसा नहीं है कि नौजवानों ने कोई कसर छोड़ी हो, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया है, अखबारों ने भी छापा है, टीवी ने भी दिखाया है। अगर मीडिया ने नहीं भी दिखाया तो मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए हैं। पर असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजनीति अब जनता के नियंत्रण में नहीं रही। इसका मतलब यह हुआ कि जनता नहीं तय कर पा रही है कि नेता या मंत्री क्या बात करें, बल्कि माहौल बनाने का सिस्टम तय करता है कि जनता किस पर बात करेगी। इसलिए नौजवानों की संख्या भले करोड़ों में हो, मगर यह संख्या अब किसी काम की नहीं है। नौजवानों को यह बात समझ में आ रही है कि लाखों की संख्या में ट्रेंड कराने और अनगिनत मैसेज भेजने के बाद भी कुछ नहीं होता है। दरअसल भारत की राजनीति में युवाओं का हर प्रकार का रोल समाप्त हो गया है, सिर्फ वायरल और फॉरवर्ड करने को छोड़कर। देश का नौजवान रोजगार के मुद्दे को लेकर रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर रोज संघर्ष कर रहा है। 3 जुलाई को जब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि कोरोना आपदा के बाद देश में स्थिति सामान्य होने लगी है, औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों का लौटना शुरू हो गया है, साथ ही चलने वाली ट्रेनों में बुकिंग 100% से भी अधिक है, तो आप उस ट्वीट के नीचे आए कमेंट को देख सकते हैं। नौजवानों के ऐसे कमेंट का शायद ही मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मार्च 2019 में रेलवे ने NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी के फॉर्म भरे गए थे जो फरवरी में निकले थे। उसके बाद से ये नौजवान रोज पूछते हैं कि पैसे देकर फॉर्म भरा है, परीक्षा कब होगी ये तो बता दीजिए। फॉर्म भरने वालों के पास एक ही काम है, सुबह उठकर मंत्री और पत्रकारों को ट्वीट करना कि इनकी आवाज उठा दें, बता दें परीक्षा कब होगी। NTPC के पहले चरण की परीक्षा एक कंप्यूटर एग्जाम है जिसका नाम है CBT 1। फरवरी 2019 के जिस रिलीज पर छात्रों ने मार्च में फॉर्म भरे उसमें लिखा था कि CBT 1 की परीक्षा जून सितंबर 2019 के बीच होने की संभावना है। 18 जून 2020 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रेलवे का बयान छपता है कि NTPC की जिन 35,000 पोस्ट पर 1.25 करोड़ एप्लीकेशन आए हैं उनके इम्तहान की काफी तैयारी कोरोना महामारी के फैलने से पहले हो चुकी थी, मगर कोविड के कारण तैयारी रोकनी पड़ी। तो क्या जिस इम्तहान के लिए सितंबर 2019 को अपर लिमिट बताया गया था उसके गुजर जाने के 6 महीने बाद भी इम्तहान होना तो दूर, उसकी तैयारी भी पूरी नहीं की जा सकी? जबकि इन्हें पता है कि लोको पायलट की परीक्षा तो हो ही गई थी, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन एक साल से करीब दिसंबर 2019 से ही बहुत सारे नौजवानों को नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मंत्री जी की टाइमलाइन से पता चलता है कि ये नौजवान रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी लिख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि इसका मतलब है नौकरियों का कम होना, और अब तो रेलवे ने ऐलान ही कर दिया है कि सेफ्टी को छोड़कर नई भर्तियां नहीं होंगी। हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकियन का निवासी हूं, और हम लोग विगत 2014 से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस समय 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 3,000 से 4,000 पोस्टों की कमी कर दी गई थी। इस वजह से हम लोग का जो तीनों आदमी का या और भी साथी का मेरिट में थे वो बाहर हो गए। तो अभी नया वैकेंसी जो आया है, एक साल पहले जो आया है, लोकसभा चुनाव से पहले आया, तो
उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्ट को फ्रीज करने किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है रेलवे को। कायदे से तो एग्जाम होना चाहिए, एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का लुभावना ऑफर था, युवाओं को अपने तरफ आकर्षित किए, उसके बाद अब एग्जाम होना चाहिए कायदे से, लेकिन फ्रीजिंग हो रहा है। फ्रीजिंग क्या होता है हम लोग समझ में नहीं करते हैं। हम लोग का लाइफ फ्रीज हो रहा है और ये लोग वैकेंसी फ्रीज कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि युवाओं की क्या दशा है। पिछले कई सालों से मैं रेलवे का विद्यार्थी रह चुका हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पटना रेलवे की तैयारी कर रहा था। पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ घर पे चला आया और यहीं मंदिर, मेरे पीछे मंदिर है, चीनी मिल है जो कि चालू नहीं है, पीछे मंदिर है, वहीं पर मैं ग्रुप करता हूँ। और पिछले कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि 150 से ज़्यादा ट्रेन चलेंगी और उसमें कोई वैकेंसीज की पोस्ट नहीं आएंगी। प्राइवेट ट्रेन चलेगी और उसकी कोई वैकेंसीज की पोस्ट नहीं आएगी। अतः सरकार से निवेदन है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए और इसका एक्सपेक्टेड डेट था सितंबर अक्टूबर 2019 और आज 6 जुलाई 2020 आ चुकी है, अभी तक इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। कोविड-19 के दौर में कहा जा रहा था कि हेल्थ सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, जाने कितने अस्पतालों में हेल्थ वर्करों के अनगिनत पद खाली, उनके भरे जाने के किसी भी अभियान के बारे में आपने सुना हो तो मुझे भी बताइएगा, अपवाद छोड़कर। आलम यह है कि जो अभी काम कर रहे हैं उन्हीं को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्विटर हैंडल से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन 4 महीनों में सरकारी हेल्थ सेक्टर में कितनी नौकरियां आई हैं। नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट से लेकर लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो रही हो ऐसा भी नहीं है। भारत में रोजगार के बारे में बात करने की समस्या ये है कि आधिकारिक डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है। खाते में पैसा तो ट्रांसफर हो जाता है, वो डिजिटल इंडिया है, मगर किस किस की नौकरी गई है इसका रियल टाइम आंकड़ा नहीं दिया जाता है, ये डिजिटल इंडिया नहीं है।